उन्होंने आज एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल का सफल परीक्षण किया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अनुसंधान केंद्र से आज सुबह 6 बजे 3 टन वजन के साउंडिंग रॉकेट RH-560 सुपरसोनिक कम्बस्टन रैमजेट ने उड़ान भरी। इसके सफल परीक्षण के बाद अब सैटेलाइट्स के प्रक्षेपण पर आने वाले खर्च में कटौती की जा सकेगी। इसकी मदद से ईंधन में ऑक्सीडाइजर की मात्रा को कम किया जा सकेगा, जिससे लागत कम हो जाएगी। सफल परीक्षण के बाद इसरो के चेयरमैन ने NDTV से बातचीत में इसे एक बड़ी कामयाबी बताया। और इसी पर थोड़ी देर पहले हमने अपने साइंस एडिटर पल्लव बागला से बातचीत की, आइए वो सुनते हैं। देखिए, बहुत बड़ी कामयाबी है। ऐसा करने वाला भारत जो है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद तीसरा देश बन जाता है जिसके पास ये स्क्रैमजेट की टेक्नोलॉजी हो। आज पहला टेस्ट हुआ है जिसमें कि ये स्क्रैमजेट को फायर किया गया स्पेस में, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अभी इसमें और काम होगा, कम से कम एक दशक और लगेगा जब तक ये पूरा रॉकेट इंजन तैयार होगा। लेकिन अगर हो जाएगा तो हिंदुस्तान का तब तक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल भी तैयार हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर उसको लगा के लॉन्च करेंगे तो लॉन्च कॉस्ट 10% कम हो जाएगी। अगर 10 टाइम कॉस्ट कम होगी तो आप इमेजिन कर सकते हैं सैटेलाइट लॉन्चेस कितने सस्ते हो जाएंगे। अगर स्पेस एक्सेस सस्ता हो जाए तो आपका जो बहुत ज्यादा यूज है स्पेस का, आजकल हर चीज में है, बैंकिंग में है, टेलीविजन में है, हर जगह के सेक्टर में जो यूज है उसमें बहुत कटौती हो जाएगी। तो ये एक बहुत बहुत ही उम्दा टेस्ट था इसरो के द्वारा, बहुत यूनिक टेस्ट था और बहुत सक्सेसफुली आज सवेरे 6 बजे करा गया। तो इस सफल परीक्षण के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट कर इसरो को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, फ्यूचरिस्टिक स्क्रैमजेट रॉकेट इंजन के सफल परीक्षण पर इसरो को तहे दिल से बधाई, भारत को आप पर गर्व है।